देखिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ये हमारी ऑनलाइन क्लास की पहली वीडियो है, मॉर्निंग बैच की। तो देखिए, मैं किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में हम बीजी का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। देन बीजी को किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से बीजी को अनइंस्टॉल करते हैं, बीजी के कितने नंबर ऑफ वर्जन आए थे, ये क्या क्या चीजें होती हैं, हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो आती है, बीजी क्या है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी अकाउंट को मेंटेन करने के पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो अकाउंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे बीजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बीजी इंडिया में 1994 में लॉन्च हुआ था। जब बीजी फर्स्ट टाइम इंडिया में एप्लीकेशन आया था तो 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था। देन फिर 12 वर्जन आया, फिर 14 वर्जन आया, फिर 16 आया, एंड देन बीजी का लेटेस्ट जो वर्जन है वो 17 वर्जन है। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि सर, अगर मुझे बीजी का सॉफ्टवेयर अपने पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड करना है या चलाना है या इसका डेमो पे काम करना है, तो मैं इसका यूज किस तरीके से कर सकता हूँ या मैं इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, पहली बात ये है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी बीजी का वर्जन आपको डाउनलोड करना है, तो बीजी की अपनी एक ऑफिशियल साइट पे जाके आप बीजी का वो वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर आप जाएंगे, www.busywin.com से आप इन वेबसाइट से बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इस वर्जन पे जाएंगे, आपको सबसे ऊपर एक हेडिंग मिलेगी, जिस हेडिंग में मेंशन होगा वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बीजी। मैसेज लिखा होगा वेलकम टू डाउनलोड सेक्शन ऑफ बीजी, जिसके अंदर लिखा होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बीजी के जितने भी नंबर ऑफ वर्जन आए होंगे वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ लिखा होगा बीजी 17 रिलीज 8.1। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे भी क्लिक करा तो देखिए मेरे सिस्टम पे डाउनलोड होने शुरू हो गया, और आई थिंक 20 सेकेंड या 25 सेकेंड में ये हमें डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अभी जो आपने, हेलो अमन जी, हेलो। हाँ आप जी, देख लिए कैसे करते हैं हेलो वेबसाइट? सर, मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिखेगी। ओके हाँ जी सर, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं बिजी के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था, शायद मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिखी हाँ होगी, जी अब दिख जाएगी। मैंने हाँ जैसे कि जी बताया, हाँ जी हाँ बिजी जी इंडिया एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मोटिव अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब अकाउंट्स के बारे में हाँ बैठे जी तो सर अकाउंट्स बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें आप हाँ जी आईटीओ हाँ का जी हिसाब है, आइटम का हिसाब, बहुत सारे क्राइटेरिया, बैलेंस शीट बनाना, सेक्टर, जीएससी की रिपोर्ट देखना, टीडीएस रिपोर्ट देखना है। वो धीरे हाँ धीरे जी हम हाँ इन जी सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब बात आती है कि अगर मुझे बीजी का सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड करना है तो मैं कहाँ से डाउनलोड करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो बीजी की अपनी एक ऑफिशियल साइट पे जाके बीजी का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। बीजी की साइट है www.busywin.com से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तो उसको इंस्टॉल करना भी जरूरी होता है। अगर आप हाँ कहते जी हैं सर सर ये सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाता है तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल करें, हमें ये चीजें सीख लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप अपने डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन पे कैसे जाएंगे, आप यहाँ पर भी आके डाउनलोड पे जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके, तो आप ठीक जैसे है इस पे क्लिक करेंगे मैसेज आएगा शो इन फोल्डर, आप इस पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। नहीं, दूसरा तरीका है, आप अपने कीबोर्ड पे विंडो प्लस ई बटन दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस ठीक है ये सर शॉर्टकट की है माई कंप्यूटर को ओपन करने की। आप किसी भी लोकेशन पे खड़े होके विंडो प्लस ये क्रिएट दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड सेक्शन पे आना है और आपके जितने भी सारे ठीक सॉफ्टवेयर होंगे है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये आपका पहला था। ठीक उसके बाद अब आपको बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे।
जब भी आप बीजी का कोई सा भी वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको बीजी के यहाँ पर एक आइकन मिलेगा जिस पर लिखा होगा सेटअप। ठीक है ठीक है सर, ये सर। जो बुक्स हैं ये इसका आइकन का मतलब क्या था? ये आपकी रेयर फाइल है जिसके अंदर कोई भी वायरस नहीं आ सकता। ठीक है, तो हर ठीक जगह सर। आप किसी भी गवर्नमेंट साइट से कोई भी चीज डाउनलोड करोगे तो मैक्सिमम इसी फॉर्मेट में आती है, ताकि अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उस फाइल के अंदर वायरस ना जाए। जब भी अगर आप ठीक सॉफ्टवेयर को सर। इंस्टॉल करना है तो आप सबसे पहले इसको इस फाइल के फॉर्मेट से हटाएंगे। कैसे? आप राइट क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे और यहां से मिलेगा आपको एक्सट्रैक हेयर या एक्सट्रैक फाइल ठीक सर। या ओपन विद देन रेयर फाइल। सर ठीक एक्सट्रैक सर। फाइल क्या होती है और एक्सट्रैक हेयर क्या होता है, एक्सट्रैक टू सेटअप क्या होता है? सबसे पहले ये सीख, एक्सट्रैक्ट फाइल का मतलब होता है कि इस नाम का एक फोल्डर बना दो जहां मैं बताऊं। मैंने जैसे क्लिक करा यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि ये सी ड्राइव यूजर एडमिन डाउनलोड सेटअप के नाम से एक फोल्डर बनेगा। मैंने कहा नहीं, सेटअप के नाम से ना बन के बने सेटअप 8.1 के नाम से। मैंने इसको बता दिया कि आप इसी जगह पे एक फोल्डर बनाओ और फोल्डर का नाम मेंशन कर देना सेटअप 8.1। जैसे ही मैं न्यू करूंगा तो यहाँ न्यू गलत हो गया और मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर एक ये फाइल को अलग करेगा साथ साथ और यहाँ पर एक सेटअप नाम का फोल्डर बना देगा सेटअप 8.1। ठीक है। दूसरा चीज, लोग बहुत सी जगह क्या करते हैं सेटअप को डाउनलोड सेक्शन पे ना करके डेस्कटॉप पे भी करते। कैसे कर सकते हैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे ले जाने के लिए? वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल पे जाते हैं और यहां से डिस्प्ले पे जाके या डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं और उनका डेस्कटॉप पे इस नाम से एक फोल्डर बन जाता है। अगर आपको इस नाम अपने सेटअप को डेस्कटॉप पे ले जाना है तो सेम यही वाली चीज जो मैंने यहाँ पर करी है, देखो ये आ गया डेस्कटॉप पे मेरा सेटअप नाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अभी सेटअप आ गया, बस इस सेटअप पे राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। राइट क्लिक करें और रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। जैसे ही आप इस पे करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो आपसे कई चीजें पूछेगा और इंस्टॉल का प्रोसीजर सेम होता है, जो जैसा आपने हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको भी हाँ कर जी सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि आपके पास स्पेस नहीं, तो आप वेट करें थोड़ा सा एंड 1 मिनट के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपके पास स्पेस है। कभी कभी कंप्यूटर स्पेस को रीड नहीं कर पाता, देन इस तरीके का मैसेज आता है कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट। देन ये आ गया मैसेज, देन नेक्स्ट पे क्लिक हाँ जी करें एंड देन आई एक्सेप्ट। अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं। फिर आई एक्सेप्ट टर्म, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ये आपके सिस्टम पे अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी ठीक है ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है सर, आपने बोला कि
कि बीसी के अब तक टोटल पांच वर्जन आए हैं, 3, 12, 14, 16 एंड 17 सर। बट अभी मैंने देखा तो यहाँ पर बीजी 17 8.1 है सर, ये क्या हो है? 8.1 का मतलब क्या है? ये 8.1 क्यों है या 8.2 क्यों है सर? हम तो बिजी चलाते हैं, हम तो देखते हैं कभी बिजी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 सर, इनका मतलब क्या है? ये रिली ये क्या बताते हैं? इसको रिलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिलीज बोलते हैं। ये रिलीज क्या होते हैं? रिलीज का मतलब कुछ चेंजेस आ गए तो बिजी 17 को 18 नहीं करता, 18 को 19 नहीं करता, और अगर ऐसा करता रहे तो हर दिन बिजी नई अपडेट लाता है तो उसका तो रिलीजिंग चलते रहेंगे, वो वर्जन अपडेट होते रहेंगे, 18, 19, 20 ऐसे आते रहेंगे। तो बिजी क्या करता है, उन अपडेटों को इन 17 को 18 ना करके इनके रिलीज निकाल देता है। जैसे अभी पीछे क्या हुआ था, ईवे बिल में चेंजेस आ गए थोड़े से, तो गवर्नमेंट बिजी वालों ने क्या करा, उनका एक उससे अपर वर्जन निकाल दिया 8.2, 8.3, 8.4, तो वो इन वर्जनों को चेंज करके इनके रिलीज को चेंज कर देते हैं। किनको चेंज कर देते हैं? इनके रिलीज को चेंज रिलीज याद रखना। और रिलीज दो तरीके से चेंजेस होता है। अगर पीछे वाला वर्ड जैसे एंड में 1, 2 चेंज होता है, समझ जाना कि बीजी में छोटा सा कोई चेंजेस आया है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया। लेकिन अगर ये आगे वाला वर्ड चेंज होता है 8 से 9 होता है, इसका मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, अगर लास्ट वाले वर्ड में कोई चेंजेस आया है तो इसका मतलब कोई छोटे मोटे टॉपिकों में बिजी ने अमेंडमेंट करके वेबसाइट पे डाल दिया। बट अगर 8 से 9, 9 से 10 हो रहा है, इसका मतलब उस टॉपिक में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। क्योंकि एक प्रोग्रामर सर, लेटेस्ट जो है सर वो कौन सा आया सर? 8.1 ही है अभी, 8.1 ही है। और दूसरी बात, एक प्रोग्रामर मैं भी हूँ, मैं भी बिजी में एडवान बनाता हूँ, तो जब भी हम कोई बड़े चेंजेस करते हैं तो हम 8 पॉइंट की जगह ना उनका 9 पॉइंट कर देते हैं, इससे एक पहचान होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लगता है कि बिजी में 8 से 9 गए तो समझ जाना कि स्टॉपिंग में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है सर, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, आ गया। ठीक, ओके सर। सर रीसेंट जो आप, हाँ जी हाँ जी, रीसेंट सर जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो सर 17 वो है सर 6.2 रील, आप उसको अपडेट कर लीजिए सर। तो ये अपडेट कैसे होगा सर? मैं बता, अभी देखा आप, मेरे बीजी में 7 वर्जन था, मैंने बीजी का 8.1 डाला, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है सर, और आपका 8.1 आ जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा सर, और उसको कुछ भी नहीं करना, को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, उसी पे जाके आपको अपडेट कर देना है, देन आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक म्यूट कर लीजिए, वीडियो बन रही है, जब पूछना तो पूछ लीजिएगा।
देखिए अब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और हमारा अब नया रिलीज आ गया 8.1। अब बात आती है कि बीजी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ओपन करेंगे, किस वे में ओपन कर सकते हैं। बीजी को आप बीजी पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या आप बीजी पे खाली अपने कीबोर्ड पे विंडो बटन दबाइए और बीजी लिख के बीजी सॉफ्टवेयर को ऑन कर दीजिए। ये पहला तरीका होता है बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का। दूसरा तरीका होता है बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का इसकी शॉर्टकट की के साथ। बहुत से लोग क्या करते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की क्रिएट कर लेते हैं, वो एक शॉर्टकट बना लेते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ से बीजी लिखा होता है शॉर्टकट की, तो आप बीजी में यहाँ पर जाके अपनी कोई शॉर्टकट की बना सकते हैं। आपने बोला कि अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल कंट्रोल शिफ्ट वन दबाता हूँ तो बीजी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल बटन मैं प्रेस करूँ तो मेरा बीजी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। तो मैंने ऑल कंट्रोल शिफ्ट वन दबाया और वन दबाते देखिए बीजी सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो गया। तो याद रखना, अगर आप बीजी की शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो आप बीजी की शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। कैसे, बस किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके उसकी राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी पे जाके शॉर्टकट की बना सकते हैं। इस तरीके से आपका बीजी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। पहला चीज तो याद रखनी है कि अगर आपको बीजी का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है तो बस आप इस पर राइट क्लिक करके इसकी शॉर्टकट की बना दी, ताकि आप जिसके यहाँ भी वर्किंग करें तो आप फास्टली बीजी को ओपन कर सकें और आपको बार बार डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दिखा दूं दोबारा कैसे शॉर्टकट बनाए। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में गया और यहां से बोल दिया कंट्रोल और शिफ्ट ऑल्ट प्लस वन, इसकी शॉर्टकट क्या बनाई है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस वन। देखो मैं दबाता हूं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन, ये देखिए मैं आपको राइट क्लिक विंडो प्लस ओएस के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपका बी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो सकता है। पहले मैंने कंट्रोल दबाया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया, फिर मैंने ऑल्ट दबाया और वन दबा दिया। अभी एक बार बिजी होने, मैं एक और बार दबा दूंगा तो बिजी दो बार ऑन हो जाएगा। आप देखिए नीचे एक और आइकन आ जाएगा, बिजी का दो बार स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, अगर बिजी को ऑन करना है तो आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ये खाली ठीक है आपकी सर। इम्पोर्टेंट के लिए कि आप किस तरीके से बीजी को ऑपरेट करोगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने वे में यूज कर सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं। ठीक है अब हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, जब भी स्टार्ट होगा तो ऊपर लिख जाएगा बीजी इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड देन अब जब बीजी स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम अगर आप डेमो मोड पे काम करोगे तो एक मैसेज आपको हमेशा शो होगा जिस पे लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। ये मैसेज लिखा है कुड नॉट ठीक चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो। इस मैसेज का मतलब ये है कि आप जो बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो ये डेमो मोड पे स्टार्ट हो रहा है। कौन से मोड पे स्टार्ट हो ठीक रहा है है, डेमो मोड पे डेमो स्टार्ट मोड हो रहा है। कौन से मोड पे स्टार्ट हो ठीक रहा है है, डेमो मोड पे डेमो मोड स्टार्ट हो रहा है और आप इसमें खाली 30 दिन या 30 डेज ही वर्किंग कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज बाद बीजी सॉफ्टवेयर आपका एक्सपायर हो जाएगा। हाँ तो जी अब हाँ हमेशा याद रखना कि अगर इस तरीके का मैसेज आता है तो आप ये समझ जाना कि जो आपका बीजी स्टार्ट हुआ है वो डेमो मोड पे स्टार्ट हुआ, और डेमो मोड की वैलिडिटी 30 डेज की होती है। सर ये डेमो ठीक है क्या होता सर। है? डेमो का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करना। अगर मैं एक बीजी ठीक है सर। कंपनी का ओनर हूँ और एक आपको कोई सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँ तो मेरे पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मैं उनको पैसा कहाँ से पे करूँगा? तो सही क्या बात करते हैं, जो भी कंपनी के ओनर होते हैं वो वेबसाइट पे अपने कुछ पीरियड के लिए सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके रख देते हैं कि अगर किसी को भी बीजी सॉफ्टवेयर चलाना है और कुछ टाइम के लिए तो आप इस जगह जाइए, बीजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए एंड एंड कुछ टाइम तक यूज कीजिए, देन पसंद आता है देन परचेज कीजिए, अदरवाइज आप कूट कीजिए। तो बीजी की जो वैलिडिटी है वो 30 डेज की है, मतलब अगर आप 1 अप्रैल को कंपनी बनाते हैं तो आप 31 मई तक काम कर सकते हैं, 1 मई तक आप काम करो, ठीक मतलब 30 डेज की वैलिडिटी इसकी होती है जिस दिन से कंपनी बनती है। ठीक है ठीक सर ठीक है सर। अब आते हैं, ये हमारा बीजी का हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात होती है बीजी में कितने मॉडल होते हैं, बीजी में कितने मॉडल होते हैं, बीजी के कितने टाइप होते हैं।
सर कोई तो बोलता है बेसिक होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई इंटरप्राइज बोलता है, ये क्या होते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें ये चीजें भी सीख लेना जरूरी है। सिलेक्ट बिजी मॉडल में आज आप लोगों ने देखा कि मैंने आज की क्लास में किस तरीके से बीजी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि आप बीजी का सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करोगे, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करोगे, किस तरीके से ओपन करना चाहिए, कैसे उसकी शॉर्टकट की बना सकते हैं, ठीक है, डेमो मोड का मतलब क्या होता है। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लास का आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक में हमने बीजी के बारे में थोड़ा सा जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीजी के बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे कि बीजी के अंदर मॉडल कितने होते हैं, बीजी में कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है, देन फिर आगे हम परचेज करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी ऑनलाइन सेशन की।